हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर के ऊपर है। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मेनली जनवरी 2021 के, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आप अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपके करंट अफेयर आपका कितना पक्का और मजबूत है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करंट अफेयर का वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमकारेश्वर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। जो ओमकारेश्वर डैम है वो कौन से राज्य में है, कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी झारखंड। तो आपको बताना है कि ओमकारेश्वर जो डैम है कौन से राज्य में है। चलिए यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको साथ में दे दिया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पोंग डैम सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। जो पोंग डैम सेंचुरी है वो कौन सी स्टेट में है, ये आपको बताना है। ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम और डी आपका गुजरात। चलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, बताइए कि पोंग डैम सेंचुरी कौन से राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी सेंचुरी है, पोंग डैम सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द बुक ऑन फीकल स्लज एंड सेप्टेस मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुक रिलीज़ की है, कौन सी बुक है, फीकल स्लज एंड सेप्टेस मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज, वो आपको बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्शन आपके हैं WHO ने, बी नीति आयोग, सी IMF और डी है यूनाइटेड नेशन। तो चलिए बताइए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुक रिलीज़ की है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाम रूप विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ फॉर इट्स यूरिया प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। जो नाम रूप है वो किस रिलेटेड है, यूरिया प्लांट से रिलेटेड है, वो कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। ए असम, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी उत्तराखंड। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो नाम रूप आपको यूरिया प्लांट है, इससे रिलेटेड है, तो कौन से स्टेट में ही आपका करेक्ट आंसर इसमें ए है असम। तो असम में नाम रूप यूरिया प्लांट आपको मिलता है, यानी वहाँ पे ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 1.68 लाख हाउसेस अंडर विच स्कीम। ए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, बी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सी स्मार्ट सिटी स्कीम और डी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। इनमें से बताना है कि किस स्कीम के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.68 लाख हाउसेस के कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया है। जल्दी बताइए, ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी और डी, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, वो है आपका करेक्ट आंसर है आपका ए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, ए और बी ऑप्शन में सिर्फ अर्बन और ग्रामीण का था, तो अर्बन की है जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 1.68 लाख हाउसेस के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, विच मीटिंग वॉज रिसेंटली कंडक्टेड अंडर द थीम ऑफ द नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। ए एशिया कोऑपरेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग, बी ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, सी G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग और डी G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसकी थीम द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड टूरिज्म एंड हेल्दी टूरिज्म थी। थीम किस मीटिंग की थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए ऑप्शन है, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, जो इसकी थीम क्या थी, द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी
टूरिज्म। तो आपको थीम इसकी याद रखनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। गोविंद बल्लभ प्लांट वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। गोविंद बल्लभ पंत है ये, गोविंद बल्लभ पंत किस स्टेट का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है ये आपको बताना है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स ये वो हैं जो अभी रिसेंटली अराइज हुए हैं, इसलिए पूछा गया है कि कौन से स्टेट का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, वो है यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है वो क्या था, कौन था, गोविंद बल्लभ पंत। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी। ए शिलोंग, बी इम्फाल, सी गुवाहाटी और डी गंगटोक। तो आपको बताना है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फर्स्ट जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है वो कौन सी सिटी में है वो आपको बताना है। शिलोंग में है, बी इम्फाल में है, सी गुवाहाटी में और डी गंगटोक में। तो जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए शिलोंग। तो शिलोंग में अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ का फर्स्ट जो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है वो शिलोंग सिटी में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर। तो फार्मर की इनकम को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट ने किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया है। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। जल्दी बताइए। आप देखते ही आपको ऑप्शन देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए आजकल कौन छाया हुआ है। अगर हम देखें तो किसान कल्याण मिशन किस स्टेट ने स्टार्ट की होगी, ऑब्वियस है बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया है फार्मर्स की इनकम को प्रमोट इनकम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। किस कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट जो सब डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को अभी लॉन्च किया है। ए आप इसके ऑप्शन बता देती हूँ, ए चाइना, बी इंडिया, सी जर्मनी और डी आपका जापान। तो जल्दी बताइए किसने लॉन्च की है डबल जो स्टैक ट्रेन है, किसने लॉन्च की ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, इंडिया। तो इंडिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट और यूटी। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी आपका गुजरात। तो आपको बताना है कि किस कैबिनेट कमेटी है जो ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसने हैज़ अप्रूव्ड अ स्कीम फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किस स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्कीम को अप्रूव किया है। मीन्स कौन से स्टेट के लिए इस जो कमेटी है इसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिया है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में, बिहार में, यूपी में या फिर गुजरात में। तो अभी ये भी हमारा किस से रिलेटेड होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसका राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अब इस कमेटी ने, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्कीम को अप्रूवल किया है। क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन पर्सनालिटी हैज़ बीन चूजन एज अ चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के लिए चेयरमैन किसे चुना गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, बी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद और डी है आपका योगी आदित्यनाथ। जल्दी बताइए, चेयरमैन बताना है श्री सोमनाथ ट्रस्ट का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है बी नरेंद्र मोदी, यानी जो हमारे पीएम हैं वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर से चलते हैं। कोविशील्ड द फर्स्ट वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज नॉड फ्रॉम DGCI इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। तो आपको बताना है कि कोविशील्ड को किसने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, कौन सी कंपनी ने, भारत बायोटेक ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, बायोकॉन ने या फिर डॉक्टर रेड्डीज लैब में। ये तो आपको पता होगा, अब यही चल रहा है करंट में।
बताइए, वैक्सीन ही आजकल छाई हुई है, तो कोविशील्ड को किसने बनाया है? ये इसमें करेक्ट आंसर है, सभी को पता होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको मैन्युफैक्चर किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर अंडर रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया? कितने जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है वो अंडर रिकवरी प्रोग्राम में है, ये आपको बताना है। 12, 16, 22 और 35, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर वो क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी 22। तो 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज क्या है वो अंडर रिकवरी प्रोग्राम के अंडर है, ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ मेलिपोनी कल्चर? जो मेलिपोनी कल्चर है, टर्म है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ए सिल्क वर्म फार्मिंग, बी स्टिंगलेस हनी बी फार्मिंग, सी ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग और डी प्रॉन फार्मिंग। जल्दी बताइए मेलिपोनी कल्चर किससे रिलेटेड है, ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? सिल्क वर्म फार्मिंग से, स्टिंगलेस हनी बी फार्मिंग से, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग से या फिर प्रॉन फार्मिंग से? जल्दी बताइए करेक्ट इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी स्टिंगलेस हनी बी फार्मिंग। तो नाम याद कर लीजिए मेलिपोनी कल्चर, इससे ये नाम आते ही आपका क्या आएगा दिमाग में, स्टिंगलेस हनी बी फार्मिंग से रिलेटेड है। तो ये आज के जो 15 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए होंगे, आशा करती हूँ आपके बहुत ज़्यादा ठीक हुए होंगे, कम से कम 50% से ऊपर आपके क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। अगर ऐसा है तो मीन्स आपकी जो नॉलेज है वो क्या है, थोड़ी बहुत ओके है, मीन्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। अगर उसे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मीन्स आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से बने रहिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज हमने करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास ली है, किसी तरह का फीडबैक, किसी तरह का सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट मंथ के डिस्कस करेंगे तो जल्दी ही हम वो क्लास आपके सामने लेके आएंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।